बेटी बांके बिहारी जी अवतारी है। ये इस प्रश्न को बड़े जो है संत गुरुओं की कृपा से सुलझाया जाता है। जो बांके बिहारी जी महाराज हैं ये नित्य बिहारी हैं। भगवान कृष्ण तीन बात है ना, भगवान कृष्ण पूर्ण अवतार हैं। अवतार और पूर्ण अवतार और अवतारी, जो समस्त अवतार हैं, जो अंशावतार बोलते हैं उनको, तो अंशावतार और पूर्ण अवतार। तो अंशावतार तो जितने भी 23 अवतार हैं भगवान कृष्ण के अलावा, ऐसा भागवत जी कह रहे हैं। ये बात हम नहीं कह रहे हैं। एते चांस करहा पुंसः कृष्णस्तु, स्वयं भागवत जी कह रही हैं कि पूर्ण भगवान श्री कृष्ण संजीव हैं और समस्त अवतार हैं। अब यहां रसिकन की अवतारी भर्ता सुप्रभु नित्य बिहारी एक, ये अवतारी भर्ता नित्य बिहारी बांके बिहारी कुंज बिहारी ये हैं। तो ये भाई अवतारी, अवतारी वैसे भगवान कृष्ण को भी कह दें, कहने को राम जी को भी कह दें, लेकिन यथार्थ रूप में जो बात है, शब्द कहीं भी कोई हो सकते हैं, वो भी अवतारी हैं। तो और अब उनके आ सकते हैं सारे अवतार, लेकिन यथार्थ में रसकन के मतानुसार स्वामी जी महाराज के देशीय रसदेशीय रसकन के मतानुसार, तो स्वामी जी महाराज का जो देश है बांके बिहारी जी महाराज हैं, रसिक बिहारी जी हैं, ये कुंज बिहारी हैं, ये अवतारी हैं। तो अवतारी भरतास प्रभ नित्य बिहारी एक और भक्त भाव पूर्ण करें धर अवतार को, ये ही बांके बिहारी जी महाराज भक्तों की भावना के अनुसार से कभी कृष्ण बन जाते हैं अंश रूप में, पूर्ण में नहीं, पूर्ण तो नित्य बिहार में, लीला बप इच्छा बप लीला सब कर रही और इच्छावान आप चल रहे हैं। जो इच्छा बपू हैं वो लीला कर रहे हैं और इच्छावान स्वयं नित्य बिहार में परायण रहते हैं, विषय है उन्हीं के अंश है ये। जैसे राजा स्वयं आनंद में रहे और सेवक वो ही तो राजा रूप है, जैसे कोई भी है छोटे पदाधिकारी वो भी राजा रूप ही है, लेकिन राजा में और उन पदाधिकारी में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। ऐसे ही नित्य बिहारी अवतारी भरता सो प्रभु नित्य बिहारी एक, तो भक्त भाव पूर्ण करें ये धर अवतारा ने, तो इच्छा बप लीला सब करें और इच्छावान आप थिर रहें। तो इच्छावान कौन? श्री बांके बिहारी जी महाराज लाडली लाल ये युगल फिर रहते हैं नित्य कुंज महल में, महल ते निकस न बाहर जामे, ये खोल के कह दिया ये महल से निकस के कबू बाहर ना जामे और कुंज कुंज प्रति खेल मचामे। ये महल से निकस के बाहर जाते नहीं है कभी, नित्य नवन कुंज वृंदावन महल और कुंज कुंज प्रति खेल मचामे, यानी प्रिया प्रीतम के तन ही एक दूसरे की कुंज है। समझ में आया? प्रिया प्रीतम के तन ही एक, उन पे प्यारी प्यारन कभी एक मिनट सेकंड एक घड़ी आधी घड़ी एक छिन्न पल के लिए भी उनके श्री अंग अलग नहीं होते हैं, ये ध्यान रखें। जानते हो आप, सुना है पहले से, कभी भी छिन्नहु अंतर न हो गए प्रिया प्रीतम में। इसीलिए तो आचार्य ने कह दिया ऐसा जो बिहारी बिहारन का जो मिलन है बिहार है ये सर्वोपरि है, केवल सामर्थ्यता इन्हीं की है इसीलिए सर्वोपरि है। भगवान कृष्ण है, भगवान कृष्ण की किसी भी लीला को, चाहे गोलोक की लीला को ले लो, मान लो धरा की लीला को नहीं तो गोलोक की लीला को ले लो, किसी भी जो राधा कृष्ण अनुयायी उपासना है रसकन की चाहे वृंदावन धाम की अथवा, तो समस्त उपासनाओं में कहीं न कहीं युगल जो है चाहे एक पर्दा की आड़ में हो गए चाहे लुका छुपी में ही हो गए हैं,
लेकिन कुछ न कुछ अंतर ऐसा नहीं कहीं भी संभव है जहां युगल एक ही सेज पे हमेशा हमेशा आवश्यक अखंड रूप से एक ही सेज से कभी उतरते ही नहीं है। समझने की बात है, यही तो ये पूर्ण स्वरूप प्रेम का केवल और केवल स्वामी जी के यहां। अब आचार्य जन कहते हैं उदाहरण दे के, बिहारीदास अवसर समुझ इन्हें अनुसंधान, कि भाई संसार के तौर पर विचार करके अवसर को समझ के विचार करो। रसकों के लिए थोड़ा संकेत किया, भोजन यही बिहार में दर्श प्रसाद्रहण, बिहार में बस यही सब कुछ भोजन है। प्रेम से बातचीत करनो, मिलनो, जुलनो, दर्श प्रस आपस प्रेम से, यही भोजन है बिहार। तो बिहारी जी महाराज, तो ये अन्य किसी भी देश में, किसी भी देश में ये नहीं है। सब देशों में जैसे भोजन भोग लिए फिरें, ये तो धावा धाव, और ये प्यासे रस माधुरी पीवत प्यावा प्यावा। और देशों में दोग पे ज्यादा जोर है, नए नए भोग राग। ये नहीं कि यही हो, वो जहाँ जिस कुंज के निवासक है, नित्य कुंज के उपासक है, वहां भी सखियां सहचरियां और नए नए श्रृंगार और नए नए भोजन कराती रहती हैं। किसी भी ऋषिक संप्रदाय को देखना, स्वामी जी के अलावा वहां भी ऐसा है। तो लेकिन यहाँ आचार्य लिख रहे हैं कि भोजन भोग लिए फिरें, ये तो धावा धाव, और ये प्यासे रसमाधुरी पीवत प्यावा प्या, ये तो रसमाधुरी के प्यासे हैं, इनको भोजन भोग की जरूरत नहीं है। खान पान गुण ग्रहण ग्रासा आनंद विग्रह बड़ा तुम, ये अंतर है। भगवान कृष्ण जी की उपासना में, युगल की उपासना में, जो भी ब्रज के युगल हैं इनकी उपासना में किसी भी उपासना में कहीं ऐसा नहीं है कि युगल सदा सदा और जो है कहीं सेज पर रह सके, हो ही नहीं सकता। यहां की मन बुद्धि से भी कोई सोच ही नहीं सकता है। श्री बिहारीनंद जी महाराज बोले, मिलन प्रकृति किशोर की। बिहारीनंद जी महाराज ने इशारा दिया एक बात में, संसार का सबसे बड़ा सुख क्या है। संसार का सबसे बड़ा सुख, ये पहले भी प्रश्न संतों की सभा में हुआ था, हम सुन रहे थे, हम छोटी उम्र थी, वृंदावन में तो आ चुके थे, कि सबसे बड़ा सुख संसार का क्या है। तो आचार्य जन कहते हैं, कामी को प्रिय कामनी, लोभी को प्रिय दाम। नायक नायिका का मिलना ये सबसे बड़ा सुख है। अब नायक नायिका कुछ समय मिलेंगे, इसके बाद में वो स्थिर रूप से नहीं रह सकते, कुछ समय के बाद ही वो अपनी क्रियाओं को अलग तरीके से परिवर्तित कर देंगे, और वो जो है नाना प्रकार के अनेक सेवाओं में। ऐसे ही स्वयं भगवान भी सदा सदा कभी एक पूर्ण यानी प्रेम में मिलन में स्थिर नहीं रहते हैं। घन दामन उपमा कही, जिन जिन की छपचा, आचार्य जन कहते हैं घन दामिनी की उपमा, और जिन जिन की रूप की चाह है, युगलन की आपस में मिलने की चाह है। घन दामिनी उपमा कही, जिन जिन की छपचा पाए समय ते टरते हैं। बोले ये मिलते हैं और लेकिन समय पाके फिर अलग हो जाते हैं। कोई भी युगल है पाए समय ते टरते हैं, लेकिन इनकी बिछुड़न ना है, लेकिन ये नहीं बिछुड़ते। ये महल ते निकसन बाहर जामे, और कुंज कुंज प्रति खेल मचामे, और बन उपवन बाहर की लीला, ये तो नंद कुमार करता क्रीला। बन उपवन बाहर की लीला, जो आने जाने वाली और जो नाना प्रकार से गोपियों का सुख देना, ये सब जो लीला है ना, ये तो महाराज की लीला, ये सब जितनी लीला ये नंद कुमार करते हैं। ये मत समझना कि मां के बिहारी करते हैं, ये नंद कुमार करते हैं। तो बांके बिहारी जी महाराज तो इच्छावान,
इच्छा बपु लीला सब करही, इच्छावान आप थिर रही। वो तो नित्य निकुंज महल में प्रियाजू के संग श्री हरदास जी द्वारा लाड़ बराबर रह में। बेटा एक और बात समझनी है कि वियोग में दुख है, चाहे भगवानों के बीच में हो चाहे जीव के बीच में हो, जहां वियोग है। बताइए जब जब भक्त कोई वियोग की लीला सुनता है ठाकुर जी का, अपने इष्ट के वियोग की, तो रोता है और रोने के साथ साथ उसी को परम भक्ति स्वीकार करता है, उसी को परम भक्ति स्वीकार करता है। वो ठीक भी है, बहुत अच्छी बात है, उसमें रो रहा है, आंसू बहा रहा है, वही वस्तु फिर प्राप्त होती है। तो वियोग में भक्त भी रो रहा है और इष्ट भी रो रहे हैं। प्रियाजू यहाँ रो रही है और लाल जी छोड़ के चले ब्रज का देश, ब्रज देश का है, बिन गोपाल बैरन भई कुंज है, सूरदास जी कह रहे हैं। जब गोपाल चले गए यहाँ से तो राधा जी को ये कुंज, जिनके नीचे प्रियाजू सखियां सब आनंद लेती थी लालजी का संग प्राप्त करके, अब वो कुंज ज्यों के त्यों हैं, लेकिन वो कुंज बैरन दुश्मन दिखाई दे रही है। बिन गोपाल बैरन भई कुंज है, जब ये लता लगत अति सुंदर, और अब भाई विषम ज्वाल की पुंज है, अब तो विषम ज्वाला की पुंज दिख रही है, लालजू नहीं। वियोग, वियोग कौन को अच्छा लगता है? वियोग किसी को अच्छा नहीं लगता है। संसार में वियोग कौन को अच्छा लगता है? माता का बेटा, या बेटा चाहता है कि माता पिता को छोड़ दूं, या माता पिता चाहते हैं कि बेटा को छोड़ दूं, पति पत्नी को अथवा पत्नी पति को, कोई भी संबंध है संसार का, यहाँ भी वियोग नहीं चाहते हैं, नहीं चाहते ना, तो वियोग सबको, लेकिन फिर भी एक अपनी अपनी स्थिति में रहना उनको स्वाभाविक है, उनको बिछोड़ना ही पड़ता है। अब यह शरीर से जो मोह हो जाता है, शरीर से है, इसको वियोग करना, कितना रोता है, कितना रोता है, छोड़ने में दुख पाता है, मन में सोच लिया मुझे मरना पड़ेगा, और समझना है कि ये शरीर छूटना है, ये हमारा शरीर नहीं है, फिर भी इसको छोड़ने में, जब छोड़ने की बारी आ जाएगा हमको मरना, तो पहले से पहले रोना धोना शुरू हो जाएगा, है कि नहीं? पता पड़ जाए किसी तरीके से कैंसर हो गया, तुमको मरना ही पड़ेगा, रात दिन उसको वही चिंता, रोना धोना कैसे करें हम तो मरेंगे ना, छोड़ना तो पड़ा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। कहने का सर, अपने शरीर से भी वियोग होने में दुख है। संजोगी रस परस विहार, लेकिन ये कैसा संयोग है प्रिया प्रीतम का, सखिया प्रियाजू लालजू समस्त नित्य निकुंज परिकर एक क्षण के लिए भी, एक क्षण के, ये नहीं कर सखियां दूर चली जाती हैं प्रिया प्रीतम एक, नहीं, यही तो निपट नित्य विहार है। यहां सखियाओं को प्रिया प्रीतम संग रखते हैं सबको, और आनंद में मगन रहते हैं, क्योंकि प्रिया प्रीतम सखियों के हाव भाव सैन संकेत, तो ये उज्ज्वल रस विहार है, उज्ज्वल पूर्ण प्रेम है। यहां सखियां के हाव भाव सैन संकेतों के द्वारा, और प्रिया प्रीतम रस में जैसे ललता जी को संकेत होगा, जैसे इच्छा होगी वैसे प्रिया खिलाड़ी श्री हरदास है, खेल लाडली लाल। खिलाड़ी, खेल खिलाने वाले कौन है? स्वामी जी महाराज ललता जी, और खेल लाडली लाल वही प्रिया प्रीतम खेल हैं। राखत अद्भुत रंग सो महाप्रेम, ऐसे आचरण का है। तो खिलाड़ी कौन है? स्वामी जी, ये सहचरिया, तो वो सौभाग्य तुमको प्राप्त होगा, तुम प्रिया प्रीतम को भी खिलाने वाले होंगे। बोलो स्वामी जी महाराज, वो देश है ये। इसमें ये नहीं कि जैसे विष्णु धाम में हाथ जोड़ के चुप खड़े रहो, बोलना भी नहीं, बिल्कुल चुप, सावधान होकर। और यहाँ बिहारी दास अंग संग ने दे अधीर अंधीर, यहाँ बेहरत सह स्वभाव दो सखी सहायक संग, और रोम रोम में रंग प्रिया प्रीतम, अपने रोम रोम में अपने अंग की इंद्रियाएं बना लेती हैं, और इससे बड़ा क्या है, अपने तन की इंद्रियाएं, मतलब आप प्रियाजू का जो श्री अंग है समझो वो सखीन के स्वरूप से निर्मित है। बोलो यार जी महाराज, इतनी बड़ी बात है,
जो सुख बिलसे प्राण दो सो ललित सखी हरदार। जो सुख को प्रिया प्रीतम बिलसते हैं उसी सुख को सखियां बिलसती हैं। इसके बाद भी वो तत्सुखी हैं, मतलब सुख नहीं है, तत्सुख की उपासना है, तत्सुख में ही उपासना है, लेकिन प्रिया प्रीतम ऐसे उदाहरण सखियों को अपने श्री अंग में ही समाहित कर लेते हैं। प्रगट में भी है, ललता के स्वरूप में भी है, शेष स्वरूप में भी है, हृदय स्वरूप में वृंदावन। तो ये जो है सहचरियों का सहेल इनको अनुराग भाग कवि कौन गनेरी। आचार्य जन गुरु जन सुनाते कि समस्त भगवत स्वरूप, समस्त भगवत स्वरूप मिलके और कोई उत्सव करें, उत्सव करें विशेष समस्त भगवत स्वरूप मिलके, और उस उत्सव को एक दिन दो दिन नहीं 100 वर्ष तक बराबर करते रहें। कोई संसार के लोग ही कोई कार्यक्रम करें, कोई उत्सव करें, कैसा उत्साह होता है, कैसा आनंद होता है, बड़ा उत्सव में जो आनंद होता है कोई भी कार्यक्रम संसार के में, और दिनों से कई गुना आनंद होता है। और फिर स्वयं भगवान मिलके करें, भगवत स्वरूप मिलकर करें और उस उत्सव को 100 वर्ष तक बराबर करते रहें, तो उसमें आनंद का कोई पारावार होगा? उस आनंद को लिखित में भी नहीं कर सकते। आचार्य जन कह रहे हैं जो 100 वर्षों में सब भगवानों को मिलके, सब भगवत स्वरूपों को मिलके जो सुख प्राप्त हुआ है, वो सुख स्वामी जी की अंग संगनी, प्रिया प्रीतम की अंग संगनी, स्वामी जी के देश की सहसरियों को एक क्षण में प्राप्त हो जाता है। बोलो स्वामी जी महाराज, बताओ इसको लेखनी में कोई बद कर सकता है? एक क्षण में प्राप्त हो जाता है, इतना बड़ा सुख है। इसलिए ये अनिर्वचनीय तत्व है। इसको तो ये स्वामी जी महाराज उदार चूड़ामणि उन्होंने परोसा, और ये वाणियों के माध्यम से विठल दासी, बिहारी दासी, ये गुरुदेव ये इन्होंने दिया। ये तो आकाश का फूल है, ये तो स्वामी जी आकाश का फूल कौन के हाथ में आवे? केवल और केवल कोई आकाश में रह रहा हो वही ला के दे दो, ले भैया, नहीं यहां देख भले लो, अगर कोई दिख रहा हो दिखता भी नहीं तो आकाश का, यहां कोई फूल हो तो बार उठा के ले लो। तो सारे फूल यहाँ के हैं, लेकिन ये स्वामी जी का देश आकाश का फूल है। और ये आकाश का फूल, आकाश निवासी उदाहरण के लिए, एकमात्र स्वामी जी की ही कृपा से ये देश प्राप्त होता है, हैं? किसी का खंडन नहीं है, क्योंकि सब उनके ही अंशावतार हैं, उनके ही। अगर हम किसी लता के किसी पत्ते को तोड़ेंगे, कहें कि हम तो पत्ता ही तोड़ रहे हैं, डाली थोड़ी तोड़ रहे हैं, अरे ये पत्ता उसी डाली की शोभा है, उसी का है ये। अगर किसी को सोचेंगे, दुख पहुंचाएंगे, किसी की निंदा करेंगे, अवहेलना करेंगे, उस पेड़ का ही नुकसान है, अथवा उस राजा का ही नुकसान है जिस राजा के सारे दास हैं। तो सभी उपासना है, सभी भक्त, सभी आचार्य जन उन्हीं के अनुसार अंश हैं बिहार जी महाराज के। इसलिए किसी का खंडन करना, अपनी वस्तु को समझ लेना है कि हम सर्वोपर राजा के अंग संगी हैं, उनकी अंग संगनी सखी हैं, और हमको केवल और केवल स्वप्न में भी जागृत में भी वही चिंतन मनन करना है, श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास। अपना स्वरूप मैं प्रिया प्रीतम की अंग संगनी सहचरी हूँ, ये कहते रहो। ये लाडली जी मैं आपकी दासी हूँ, अंग संगनी सहचरी हूँ, और उस रस्ते में जाएं कहीं भी भजन करते करते 2-4 बार ये बात कह लिया करो, हे प्रिया जी, हे लाडली जी, मैं तो आपकी अंग संगनी सहचरी हूँ, मैं दासी हूँ। और कभी कभी दीनतापूर्वक, हे लाडली जी, दोबारा या पचड़े में मत फंसाना, मैं तो आपकी दासी हूँ। इस पचड़े में सपने स्वप्न लिखो संसारा, संसार में भैया स्वप्न में भी सुख नहीं, स्वप्न में अपने को बिल्कुल ऊपर उठा ले। देहनाते सो उपशम भगवत हमरे प्राण, प्राण भगवत के हैं हम, देह नाते से ऊपर उठाओ, यहाँ के नातों से ऊपर उठाना है। वस्तु में, स्थान में, किसी व्यक्ति में, किसी पदार्थ में हमारी कहीं ममता न रह जाए, हमारे शरीर में, हमारे किसी गुण में। हम तो प्रिया प्रीतम की अंग संगी निर्विकार हैं, उज्जवल हैं, हमारे अंदर दोष है ही नहीं कुछ ही। लेकिन हम जो दोष मान रहे हैं, ये दोष मन में है, ये दोष तन में है, ये अंतःकरण में है, ये वाहकरण में है, दोष हम में नहीं है। हम तो नित्य हैं, अजो नित्य शाश्वत हो यम प्राणो न नित्य, हम तो नित्य हैं,
हम तो प्रयास जो कुछ अपने को मानने का, जो सखा भाव के उपासक हैं वो अपने आप को सखा मानते हैं, जो सहश्री भाग, हम तो प्रिया प्रीतम की सर्वोपर सहश्री सुख है, हम तो प्रिया प्रीतम की अंग संग सहश्री हैं। हम यहाँ के आवरण से प्रभावित होकर कि काम आ रहा है, क्रोध आ रहा है, लोभ आ, नहीं हम आ ही नहीं सकता, ये हम अलग हैं, ये शरीर अलग है। तो शरीर से जो संबंध बना रखा अनंत जन्मों से, उसको बेटाओ जीते जागते यही काटना है। और समझ के स्वामी जी की शरणागति, नाम जाप जितना करोगे, मुख्य बात अब यहां आ जाती है, नाम जाप जितना करोगे, जितना करोगे स्वामी जी महाराज का, तुम बिल्कुल उज्जवल हो जाओगे। उज्जवल तो है ही, लेकिन तुमको आभास हो जाएगा मैं तो प्रिय प्रीतम की सखी हूं, इनसे संबंध क्यों बना लिया मैंने, घृणा हो जाएगी सहज। और प्रिया प्रीतम की पूर्ण प्रेम निधि निर्विकार हो जाओ, ये नाम जाप, चिंतन मनन, वाणी पाठ, श्री केलमाल जी पाठ, ये बेटा इसमें रमण करोगे तो ये सब तत्व तो। कोई कहे कि हमको बहुत जानकारी हो जाए, बहुत जानकारी हो जाए, बहुत जानकारी अपने आप हो जाएगी। सत्संग तीन बार, सत्संग सुनो, प्रेमा भक्ति करो और नाम जाप की अखंडता। मान लीजिए किसी को चिंतन मनन गुरुजनों से प्राप्त हो गया, कुछ समझ में आ गया है, वो करें तो अच्छा है, लेकिन नाम की श्रेयता है बेटा। और कछु जो नाम ने एक नाम एक बिहारी बिहारिंदात, एक तो नाम इस तरीके से लिया जाता है, सहज ले रहे हैं लेकिन मन इधर उधर डोल रहा है, लेकिन बेटा ध्यान के साथ नाम जाप किया जाता है उसका कई गुना। यद्यपि बिना ध्यान के ही कैसे भी नाम भाव को भाव अनक आलसु, वो भी महत्वपूर्ण है, उसका प्रभाव वैसे ही थोड़ा चला जाएगा, मन से चंचल लेकिन नाम जाप कर रहे हैं उसका भी जाएगा नहीं, लेकिन भाव के साथ चिंतन के साथ नाम जाप हो उसका कई गुना, उससे जो है साधना में प्रगति होती है और बिहारी विहारिन की निकटता होती है, नित्य प्रेम की निकटता होती है ना। तो नाम जाप सबसे मूल साधन है, जितना रस रहस्य, जितनी भी जी कठिनता या ऊंचाई दिख रही है ना स्वामी जी के देश की, बेटा अनन्य भाव से शरणागति स्वामी जी की और श्री हरदास नाम का आश्रय, सारी कठिनाइयां समाप्त हो जाएंगी और तुमको अपना उज्जवल स्वरूप, सहचरी स्वरूप दर्शित होगा। सब कुछ व्यवस्था स्वामी जी महाराज कृपा करके सब कुछ बना देंगे, ये स्वीकार करना ही करना होगा। बोलो स्वामी जी महाराज।